भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। साथियों, आज मुझे महान खुशी हुई, आज मुझे महान खुशी हुई कि हमारे दादा जो धाड़ा जौहरी थे, उन्होंने मुझे सहारा दिया और उन्हीं की वजह से आज मैं तुम्हारे गिरोह की सरदार बनी हूं। मैं तुम लोगों को हुक्म देती हूं, कभी भी किसी की खुशियां कोई छीनता तुम्हें नजर आए तो उस हरामजादे को फौरन गोली से उड़ा देना, क्योंकि ये शालिनी का आदेश है, तुम्हारे सरदार शालिनी का आदेश है। आज अगर धाड़ा जौहरी ना होती तो मैं अपने दुश्मन से बदला चुकाने के लिए कभी ना तैयार होती। इसलिए साथियों, और दुनिया में मेरी कोई पहचान नहीं है, दुनिया में मेरी कोई पहचान नहीं है, और सहज चंद्रावती शालिनी मेरा नाम नहीं है। इज्जत के लुटेरे को गिन गिन के मारूंगी, इज्जत के लुटेरे को गिन गिन के मारूंगी, और मेरे दिल में आई थी अरमान नहीं है। साथियों, बिजली और हसीना, मैं तुम दोनों को हुक्म देती हूं कि जाओ बीहड़ की तरफ घूम कर देखो, बीहड़ की तरफ घूम कर देखो, कोई हरामजादा किसी की खुशियां छीनता हो या कोई किसी के शादी ब्याह में दखलंदाजी करता हो तो उस हरामजादे को फौरन गोली से उड़ा दो, क्योंकि ये तुम्हारे सरदार शालिनी का आदेश है। ऐसा क्यों सरदार जी? जाओ, मैं तुम्हें हुक्म देती हूं। मानसी और चेरा, आओ हम चलते हैं, बिजली और हसीना के लौटने का इंतजार करते हैं। आओ चलते हैं अपने अड्डे पे। क्यों नहीं सरदार? जय भवानी माँ, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ। रामबली। हाय रणधीर सिंह ने दुश्मनी मुझसे लिया। लड़कवा हमका बहुत नीक लागत है लम्बरदार। और आज सालों बच्चे से हाथ धो बैठा। हाँ, मेरा हुक्म है। हाँ तो जो ये बच्चा तेरे हाथ में है, हाँ, फेंक साले को उस पहाड़ी से, हाँ, जिसका क्रियाकर्म गीध और कौवे करे साले को। यानी यह का हम वह पहाड़ी के वह पार भैया दे पार फेंकना है कि पहाड़ी के वह पार से ढंग से फेंकना है। हाँ कि साला जिंदा ना बचे। ना बहुभाव, क्यों नान के लड़का यहाँ है, हमका बड़ा मया लागत है लड़का के ऊपर। मान लो वो भैया दे हम गिरे मर जाए। ज्यादा दयावान मत बनो, और नहीं तो फिर समझ लेना। समझत ही हम सोचत रहे का मारी ले आवा ले चली अपन पाल पोस ले। अब तो ही सोचा लम्बरदार, एक एक लड़का के बड़े मन कितना परेशान हो थे। बहुत जने के पूरी जिंदगी बीत जात है लड़का के मुँह देख के नहीं पाते। ऐसे अच्छे बच्चे की जरूरत नहीं है। अच्छा फेंक साले को, क्योंकि ये मेरे दुश्मन का बेटा है। हाँ हाँ हाँ, दुश्मनी
रणधीर सिंह ने मुझसे लिया है, और देख उस दुश्मनी का फायदा उसे क्या मिलता है। जाओ बच्चा, कहा गरीब कहा जा, मरा तो बचा दो तुहार कर्म किस्मत जाने, वही पहाड़ी के पार गिरे का, पहाड़ी के उस पार गिरना चाहिए, नहीं तो हम फिर तुम्हें मतलब जिंदा ना बचे, जिंदा ना बचा जा। अब आखड़ा तो हुई बहियाई तो जा। वहां गिरा जाए हो कबे रमलिया, आज मैंने देखा हाँ बड़ा अचूक निशाना बेचारा बच्चा बहावे को मैंने कहा हाँ बच्चा साला वही गिरा जाए। आज के थोड़ी आए यह बच्चा बहावे के पुरान प्रयास हमारा है। अच्छा और का पहली बार आज बच्चा थोड़ी भाई हवा है और का अब देख और देखते जा। हाँ सिर्फ बलबीर सिंह के दिमाग को तुहार दिमाग आएगी कंप्यूटर आए नंबरदार, कंप्यूटर भी फेल है साला मेरे वही आए कहता है। बताओ ताकत एक पैसा के नहीं लागत और सब साल ना सोचे। आज तक तुझे मालूम होना चाहिए हाँ कि बलबीर सिंह ने ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से काम लिया है। सही है। और ये बलबीर सिंह का दिमाग किसे बर्बाद कर दे हाँ इसे कोई नहीं जानता। और चलिए ना मजा बिजली जी। सरदार जी ने हुक्म दिया है हाँ कि एक बार बिहार में घूम के पता लगाया जाए कि क्या हो रहा। हाँ क्यों नहीं, और आओ चल के देखते हैं आगे कैसा समाचार है। चलिए हसीना जी बिजली। हाँ ये बच्ची या आखिर किसका बच्चा है मालूम, इसे ऐसा करते हैं हाँ इसको सरदार के पास ले चलो। हाँ क्यों नहीं, चलिए चलिए सरदार। मान सिंह कहिए सरदार जी, इतनी देर हो गई अभी बिजली और हसीना लौट के वापस नहीं आई, न जाने क्या बात है। आ बिजली और हसीना। जी सरदार जी। क्या खबर लेके आई हो सरदार जी? हम आज बिहार की तरफ गई थी तो वहां मैंने एक बच्चा पाला। बच्चा? हाँ सरदार जी। कहाँ है बच्चा? ये बच्चा ये कितना अच्छा बच्चा है। ये तो बच्चा किसी अच्छे घराने का लगता है। सरदार जी कितना सुंदर बालक, कितना प्यारा, कितना अच्छा। और इसके बाएं हाथ में मोर का निशान। क्या मोर का निशान? ये देख देख जरा देख तो ये देख। हाँ सरदार जी। इसके बाएं हाथ में मोर का निशान। हाँ इसके मतलब और मोर की पंख कृष्ण भगवान अपने मस्तक पे लगाते थे। सरदार इसलिए अब इस बच्चे की परवरिश मैं करूंगी। आप इस बच्चे की परवरिश मैं करूंगी। हम सब मिलकर करेंगे। क्यों नहीं सरदार जी? और यही बच्चा सयाना होने पे
हमारी बुढ़ापी का सहारा होगा। सरदार जी आज कितना गजब खुश मुझ पे भगवान, आज कितना गजब खुश मुझ पे भगवान, और मेरी परीक्षा ले रहा इस बीहड़ दरम्यान। इस बीहड़ दरम्यान अमानत मिली एक लालन की, इस बीहड़ दरम्यान अमानत मिली एक लालन की, और जिम्मेदारी मां समान इसके लालन पालन की। इस बच्चे को गोद में लिया कसम मुझे जीवन की, इस बच्चे को गोद में लिया कसम मुझे जीवन की, और वीर लाखों करेगा रक्षा ये भारत माता की। और मात बनकर दिखलाऊं, हाँ मात बनकर दिखलाऊं, हाँ गोद में इसे झुलाऊं, हाँ गोद में मन लाके सेवा करूं मन लाके, और नाम कन्हैया रखूं इसका मैं बीहड़ में पाके। साथियों आज से इस बच्चे की परवरिश हाँ हम सब मिलकर करेंगे, क्यों नहीं। और आज से इस बच्चे का नाम मैं कन्हैया रखती हूँ। बहुत अच्छा नाम, ये मेरा कन्हैया और मैं इसकी यशोदा मैया। क्यों नहीं, ध्यान रहे, ध्यान रहे साथियों कि इस बच्चे पे कभी किसी तरह का कष्ट न होने पाए, कोई कष्ट नहीं होगा, किसी तरह की आंच ना आने पाए। ये सब जिम्मेदारी तुम सबको देती हूँ। हाँ, और जब मेरा बेटा 20 वर्ष का होगा, जिस दिन मेरा बेटा 20 वर्ष का होगा उस दिन अकेले इसे बीहड़ घूमने के लिए आदेश मैं दूंगा। बहुत अच्छी बात है। चलो, अभी तक इस बच्ची के होश नहीं आया। हाँ, अभी भी होश पड़ा है। चलो इसका इलाज करवाते हैं। चलिए दीदी, चलो चलिए दादाजी। जू 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 जु 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 यशोदा कंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग ही मिला। यशोदा कंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग ही मिला। रात ठंडी ठंडी हवा कहके सुलाए, भोर गुलाबी हो पलके चुन के जगा। जु 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 साथियों बिजली। जी सरदार, इस बच्चे को संभाल लाइए।
और लेके चलो। सबसे पहले इस बच्चे का इलाज करवाते हैं। क्यों नहीं सरदार जी? जितना तुम लोगों को कहा। जी सरदार। खूब अच्छी तरह दिमाग में बैठा। क्यों नहीं? हमारे इस मासूम बच्चे पे कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, वरना सोच लो। सरदार जी, ये हसीना अपना सर कटा सकती है, लेकिन बच्चे पे कभी हाथ नहीं आने देगी। मुझे तुम पे पूर्ण विश्वास हसीना। चलो साथियों, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ। जय मां भवानी, जय मां भवानी। इंसाफ का नारा है, इंसाफ करूंगा। जो है पहाड़ रास्ते में साफ करूंगा, दुश्मनों के लिए अब फौलाद करूंगा और दुश्मनों की हस्ती को बर्बाद करूंगा। मेरे साथियों, इस छतरपुर के अंदर पता लगाते रहो, कहीं शादी विवाह ना होने पाए, किसी लड़की की डोली उठने ना पाए, क्योंकि मुझे सख्त नफरत है। अगर कहीं शादी विवाह हो तो खबर करते रहना और हमें तत्काल खबर देना। मैं उस सरदार जी, हाँ, आज खुजरापुर में आज शादी होने वाली है। और सरदार जी, खुजरापुर में? हाँ सरदार जी, वहाँ बारात आने वाली है। और एक खबर ताजी सुनो, खुजरापुर की बात। खबर ताजी सुनो, खुजरापुर की बात। और गुड़ मंडी में सेठ घर रुकी आज बारात। वाह विक्रम वाह, क्या खबर सुनाया रे तूने यार, कि खुजनापुर अंदर गुड़ मंडी के अंदर किसी सेठ के यहाँ आकर बारात रुकी है और कल सुबह होते ही वहां शादी हो जाएगी। क्यों नहीं सरदार? अपनी अपनी बंदूकें लोड करो, इसी वक्त तो खजनान का फिला खजनापुर को फिर रवाना करो का फिला। कि का फिला खजनापुर को रवाना करो, जल्द ही खेल लो सेठ जी का महल। भावर फिरते दूल्हे को मार को बंद सहनाई हो ना बजे बिगुल। साथियों, देर करने का मौका नहीं, इसी वक्त सेठ के घर को चारों तरफ से घेर लो और थामर फिर दे दूल्हे को गोलियों का निशाना, मंडप में आग लगा दो, क्योंकि किसी लड़की की डोली उठ गई तो मेरे जीने में धिक्कार। आओ साथियों, जय मां। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। आज मैं जिस मोड़ पर खड़ा हूं, जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं,
सिर्फ अपने महामंत्री बलबीर सिंह की वजह से। अगर ये दोनों हमको सच्चाई से अवगत नहीं करवाते तो शायद आज ये पूरा राजपाट वास्तव में हमारे हाथ से निकल जाता। आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ रामबली और महामंत्री बलबीर सिंह की वजह से। बिहारी लाल, आदेश करीर, क्या हाल है? सब ठीक है। ठीक है, किसी को किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। बिहारी लाल, आज मेरा दिल कह रहा है क्या कि हम चलते हैं अपने चमन की तरफ। बहुत अच्छा, चमन में चलकर वहीं पर हम दोनों अपना दिल बहलाएंगे। बहुत अच्छा, आप जहां चलने के लिए तैयार हैं मैं आपके साथ। चलिए बिहारी लाल, अभी और इसी वक्त चलते हैं। चलिए। रामबली, रामबलिया, देख रहे हो? हाँ। बलबीर सिंह के दिमाग को? हाँ। रामबली, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। कहेगा? ईश्वर ने मुझे एक बेटी दिया है। हाँ। जिसका नाम राधा। हाँ। वो बगैर मेरी इजाजत अपने हाथ पांव तक भी हिलाना पसंद नहीं करती है। फिल्ला मर्द हार के बिटिया है। लेकिन बात क्या है? संस्कार। क्या आज मेरी बेटी मुझे मिलने नहीं आई? शायद स्कूल से आई हो, नाश्ता पानी करत हो। कोई बात नहीं, नहीं खाना में जूटी हूं। जूटी मतलब खाना खाए मैं? खाना खा रही हूँ। हाँ वही आप बताए थे, खराब भोजन ज्यादा करा थी। खराब भोजन? हाँ। करे इसका मतलब क्या हो? खराब भोजन नहीं, खड़े खड़े भोजन करे। नहीं खड़े खड़े, घर में कोनो बफर सिस्टम लागा है का? खड़े खड़े नहीं, खड़े कुछ बच्चों की आदत होती है। नहीं नहीं खड़े खड़े नहीं, खराब भोजन कबू खाया नहीं का? तेरी बात मेरे समझ में नहीं आ रही। खराब भोजन मतलब जैसे सब्जी दिया, दाल दिया, चावल दिया, यह तरह के खाना कम पसंद करा थे। खराब भोजन में जैसे मूली भय, गाजर भय, सलाद के रूप में। हाँ सलाद, सलाद खा थी। सलाद? हाँ अर्झा बेर थे। कोई बात नहीं, बेटी हमारी है। अरे कुछ हाँ। भी खाए। हाँ खाए, मुझे कोई ऐतराज ना, मुझे खाए, खाए, खाए ना, किसी चीज की कमी है? कौनो कमी नहीं ना। थोड़ी देर इंतजार करते हैं। हाँ उसके बाद हम बेटी के पास खुद चलेंगे। कमरा चला जाए मिले का बा? नमस्ते रेडी। नमस्ते, आ गए पिताजी। बोलो बेटी, आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। मैं भी ठीक हूँ पिताजी। अब तो ठीक है। तो आप ठीक है? क्यों, कोई दिक्कत है क्या मेरे पिताजी को? कौनो दिक्कत नहीं ना। तो तुमने ऐसा क्यों कहा? आप तो ठीक है। नहीं आपका देख ले तो ठीक है। अच्छा अच्छा, अरे बहुत बेचैन रहे। हाँ वो तो मैं जानती हूँ। तुम्हें देख लिया सब कुछ ठीक हो गया? वो तो मैं जानती हूँ पिताजी कि आप जब तक मुझे देखते नहीं आपको चैन नहीं मिलती स्कूल से, क्योंकि तुम्हारे सिवा है ही कौन। हाँ पिताजी, स्कूल से आवा करो तो पहले अपने पापा से मिल लिया करो। हाँ, अरे हाँ बेटी। पिताजी थोड़ी आने में देर होगी तो सहेली से बात करने लगी थी। कोई बात नहीं पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ आज। ये तो बिल्कुल छोटी सी गलती है, क्या कहनी चाहती हूँ पिताजी? तो जा रही हूँ टहलने चमन में पिता, जा रही हूँ टहलने चमन में पिता, दो इजाजती मुझे दो, इजाजती मुझे। जा रही हूँ टहलने चमन में पिता,
दो इजाजत मुझे, दो इजाजत मुझे, शाम होने से पहले चली आऊंगी, शाम होने से पहले चली आऊंगी, दो इजाजत मुझे, दो इजाजत मुझे। पिताजी, आज मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं चमन घूमना जाना चाहती हूँ, आपकी क्या इजाजत है? अच्छा, हाँ तो चमन घूमने की इच्छा है? जी पिताजी। देखो बेटी, तुम्हारे सिवा मेरे है ही कौन? जानती हूँ। हाँ? और आपका दिल मैं कभी तोड़ नहीं सकता, इसलिए हाँ मेरी बात ध्यान से सुनो। कौन सी बात पिताजी? तो शौक से जाओ बेटी चमन घूमने, शौक से जाओ बेटी चमन घूमने, और शाम होने से पहले चली आना तुम। शौक से जाओ बेटी चमन घूमने, शाम होने से पहले चली आना तुम। आजकल का जमाना खतरनाक है, आजकल का जमाना खतरनाक है, ख्याल बापू का दिल से भुलाना नहीं। बेटी राधा। जी पिताजी। तुम जानती हो जब तक हम तुम्हें देख नहीं लेते मेरे दिल को चैन नहीं होता है। जाओ शौक से जाओ चमन घूमने, लेकिन इतना याद है सूर्यास्त होने से पहले बंगले पर वापस आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बिल्कुल पिताजी, आप अपने दिल में जरा भी चिंता मत कीजिए, शाम होने से पहले मैं अपने बंगले पर तुरंत वापस आ जाऊंगी। नमस्ते पिताजी। नमस्ते भैया। रामबली, ये मेरी इकलौती बेटी जिसे लोग राधा के नाम से जानते। आपे की बिटिया है ना? नहीं साले, गांव वालों की समझो। नहीं वही आया कहा। क्यों रे हैं? इसमें भी कोई शक? शक का थैंक, एक चीज और समझ लिया। क्या? ज्यादा छूट ना दियो, आधी छूट तक तो सीमित है। अबे आधी छूट में मैं नहीं इतना परेशान है, और इतनी छूट दे देबा तो आपो परेशान हो जाए। आधी छूट? आधी छूट नहीं समझा। किस छूट की बात कर रहा है? नहीं, अरे हम तय बैंक के लोन के बात नहीं करी कि आधी छूट में मने लोन ले रहे। हम समझ रहे हैं, हम समझे कि हमको बहका रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मतलब लड़कन के बात आए हम करीता है। हम वो नहीं है, हम ये है। देखो आपके बिटिया ही। हाँ। और आपके बिटिया के अलावा को है वो नहीं ना, इनका थोड़ा हाँ के हरजे बरजे रहो। जब आपके बिटिया है मान लो कौनो बात होगी तो तुम जानते हो कि मेरी बेटी है। हाँ। और मेरी बेटी बगैर मेरी इजाजत अपने हाथ पांव तक भी हिलाना पसंद नहीं करती है। हाँ सही आए। तो गलती कहाँ से हो सकती? एक अंदरूनी बीमारी होत है। एक अंदरूनी बीमारी होत है। कौन सी बीमारी? हाँ पिए के तो दुनिया पूछत है, लेकिन वह साली ऐसी बीमारी शरीर में पैदा हो जात है न वह का पूछेगा परत है न बेटहनन का बतावेगा परत, सारे जैसे सिक्के पैदा हुए थे। हमको बहकाने की कोशिश मत करो। बहकावे का आप माइंडेड आदमी है। हम हमसे ज्यादा दिमाग आपके है। भैया कहा हिसाब से चमन गई है। जाने दो, जाए घूमे कहा करेगा है। जाने दो चमन घूमने।
हाँ हमारी बेटी। हाँ कोई उसे बात नहीं कर सकता। ला 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 को अपनी मौत का बुलावा दे। सब जाना था। नहीं है जलवा आप छतरपुर में। हाँ बिल्कुल है। को बोल दिए साले का काट डावा जाए और क्या नहीं है। रामरी आओ चलते हैं। चलिए और बेटी क्या निकाह इंतजार कर। ठीक चलिए। धन है जमाना एक ठे बिटिया इतनी छूट दिए है। आए कहीं चमन घूमे जाए ता कहे जा सर गए जाए हमका का करेंगे कहा है। लम्बरदार के बिटिया है घुमावे चाहे जहाँ ले जाए। हमऊ जाए तो है यसार जह का चाह तो वही का नाश कह दिए थे। यही बड़े हम खुदे बचाए रहे थे। कौनो असना हुए नहीं बुद्धि लगाओ साला हमहू का नाश करें। लेकिन हम नाश ना हो हमार नंबर आए तो इनका सरऊ को हम खुदे नाश कर दो। इनके साथे रह रहे मजे के बुद्धि हमहू सीख ले मजे के राजनीत जान गए। गए वे चमन घूमे गए कमरा में आराम करे महु जाए थे अपने कमरा में। गद्दा साले इंतजार करत हुई हैं से कौन मतलब है। एक बात याद आ गई है कहने वालों ने कहा है। एक लाइन याद आई है संजू बघेल की लाइन में। संजू बघेल ने गाया है लाइन तो पुरानी है लेकिन आज थोड़ा लाइन बदल रहा हूँ मास्टर। अरे आधा गाँव में आधा बजाव औ गोरी गवा नमा जई है ना औ हाथ गोड़ कबो न धोव। आधा गाँव आधा बजाव गोरी गवा नमा जई है ना हाथ गोड़ कबो न धोव। पाउडर रोज लगाई है ना एक लोटिया मा पानी लई है। एक लोटिया मा पानी लई है आठ जनी मिल जाई है ना चुल्लू चुल्लू पानी लई है। चुल्लू चुल्लू पानी लई है झूठे हाथ सर कई है ना बारा गिरा कै कपड़ा लई है। टेलर घर पहुँचाई है ना आधे पेट के ब्लाउज सियावै। आधे पेट के ब्लाउज सियावै बोरी खोल दिखाई है ना कड़ा छड़ा जो आटा गवा तो। कड़ा छड़ा जो आटा गवा हरिया हाथ पेट फुलाई है ना यही से बिरहा गाय नहीं। रम काला होरी गरियाई है ना यही से बिरहा जाए